नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में। हम लोग मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे हैं। मेडिवल इंडिया की सीरीज हमारी चल रही है। ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है, सतीश चंद्रा द्वारा लिखित। इसका आज हम पार्ट फोर डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 वीडियोस पब्लिश हो चुके हैं, इनको जाकर के देखिए। हर वीडियो में एक चैप्टर डिस्कस होगा, तो आज हम लोग पार्ट फोर पे आ गए हैं, जो चौथा चैप्टर भी है बुक का। ये टोटल 19 चैप्टर है बुक में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत ओल्ड एनसीईआरटी पार्ट फोर। इससे पहले के जो चैप्टर्स थे उसमें हम लोगों ने विभिन्न साम्राज्यों के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने साउथ के किंगडम्स के बारे में पढ़ा, चोल के बारे में पढ़ा, राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ा, चालुक्य के बारे में पढ़ा, और इधर पाल वंश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और इधर गुर्जर और प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ा। आज जो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे वो 800 से 1200 का एडी का जो पीरियड था उसमें सोसाइटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सोसाइटी मतलब समाज के बारे में। उस समय सामाजिक जीवन कैसा था, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, आर्थिक जीवन कैसा था, मतलब ट्रेड कैसी हुआ करती थी, जो व्यापार वाणिज्य कैसा था, शिक्षा किस प्रकार की थी, किस किस को उपलब्ध थी, क्या क्या पढ़ा जाता था, साइंस कैसी थी उस टाइम पे, विज्ञान फल फूल रही थी या नहीं, और रिलीजियस बिलीफ कैसे थे, जो धार्मिक विश्वास था वो कैसा था, किस धर्म का ज्यादा प्रभुत्व था इस समय पर, और कौन कौन से धर्म डिक्लाइन हो रहे थे, क्या हो रहा था, ये इन सब के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब हम लोगों को कॉमन मैन के बारे में, कॉमन पीपल के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में, जो प्रॉपर जो उस समय का जो कॉमन सोसाइटी थी उसके विषय में हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस। इससे पहले हम आगे बढ़े मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। इसमें आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी, दोनों का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन नीचे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक टेलीग्राम चैनल भी है जो कि बिल्कुल फ्री है। वहां पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे दे दिए जाते हैं, साथ ही साथ कोई फ्री स्टडी मटेरियल होता है वो वहां पे शेयर कर दिया जाता है। तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का फ्री टेलीग्राम ग्रुप। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर पे। आर्थिक और सामाजिक विचार और विश्वास राजनीतिक जीवन की तुलना में बहुत धीरे धीरे बदलते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो सामाजिक कोई विचार होते हैं, जैसे समाज की कोई ट्रेडिशन होती है वो इतनी जल्दी बदलती नहीं है। जो सोशल ट्रेडिशन होती है, कोई सामाजिक विचार है वो लॉन्ग टर्म तक प्रिवलेंट रहता है। कहने का मतलब यह है, देखिए जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है वहां पे एक साम्राज्य का शासन हुआ कुछ समय तक, फिर दूसरे साम्राज्य का शासन हुआ, ठीक है, तो उनके पॉलिटिकल व्यूज तो बदल रहे हैं। एक पहले साम्राज्य का कोई और पॉलिटिकल व्यूज होंगे, जो दूसरा साम्राज्य आएगा फिर उसके दूसरे पॉलिटिकल व्यूज होंगे। तो मतलब पॉलिटिकल व्यूज टाइम टाइम पे बदलते रहते हैं, लेकिन जो जो एक सोशल ट्रेडिशन प्रिवलेंट हो जाती है वो लॉन्ग टर्म तक रहती है। अब इसका आप एग्जाम्पल के तौर समझ सकते हैं, जो वर्ण व्यवस्था थी वो देखिए वैदिक काल में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, और वो कितने लॉन्ग टर्म तक प्रिवलेंट है सोसाइटी। अब इस दौरान आप देख सकते हैं कितने साम्राज्य आए और चले गए, कितने साम्राज्य स्थापित हुए और उनका विनाश हुआ, लेकिन जो एक सोसाइटी में कुछ धारणाएं और कुछ विचार प्रबलेंट हो जाते हैं वो काफी लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, वो इतनी आसानी से नहीं बदलते जितना कि राजनीतिक वहां की राजनीति बदलती है, जो उतनी आसानी से वहां की जो सोशल लाइफ नहीं बदलती है, ठीक है, ये बहुत लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रहती है। तो वही था कि जो ये पीरियड था 800 से 1200 तक का पीरियड, तो इसमें कुछ जो पुराने सोशल आइडियाज थे, बिलीफ थे, वो भी प्रिवलेंट थे, ठीक है, उनको हम आगे देखेंगे। लेकिन कुछ न्यू फैक्टर्स भी ऐड हुए थे जिनकी वजह से ये जो पीरियड था पुराने पीरियड से भिन्न हुआ कुछ हद तक, तो उनको भी हम लोग देखेंगे आगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार एवं वाणिज्य इस काल में कैसा था, फल फूल रहा था या उसका डिक्लाइनेशन हो रहा था, और कैसे कैसे व्यापार हो रहा था, किन चीजों का व्यापार हो रहा था। तो देखिए, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जो पीरियड था इसमें जो था ट्रेड का डिक्लाइन हुआ था, मतलब जो व्यापार है उसमें ठहराव आया था और गिरावट हुई थी, ठीक है, और इसमें फॉरेन ट्रेड जो विदेशी व्यापार था उसमें भी गिरावट आई थी, और जो आंतरिक ट्रेड थी उसमें भी गिरावट आई थी, जो देश के अंदर ही होती थी, ठीक है, उसमें भी गिरावट आई, और जो विदेशों के साथ व्यापार था उसमें भी गिरावट आई।
सातवीं और दसवीं शताब्दी के बीच सोने और जो चांदी के सिक्के थे वो नहीं मिले, उनकी अनुपस्थिति मिली है। पता नहीं ऐसा क्यों था, क्योंकि जो टेम्पल्स थे उसमें तो काफी सोना का उपयोग किया जा रहा था, उसको बनाने में टेम्पल में काफी सोना लग रहा था और आभूषण भी काफी पहने जाते थे, लेकिन वो सोने का उपयोग आपका सिक्के बनाने में क्यों नहीं हुआ, ये कुछ इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है किसी भी हिस्टोरियन द्वारा। ठीक है, तो लेकिन जो 700 से आपका 1000 AD तक का पीरियड था उसमें जो है थे सोने चांदी के सिक्कों की अनुपस्थिति पाई गई। खैर, हम लोग यहाँ पे रीजन देखते हैं कुछ जो हो सकते थे उस टाइम ट्रेड का में जो गिरावट आई थी उसके लिए कुछ रीजन दिए गए हैं इस बुक में, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला रीजन है लोकलिज्म एंड रीजनलिज्म। तो लोकलिज्म क्या होता है? स्थानीयता और क्षेत्रवाद। जैसे अब लोकलिज्म का मतलब ये होता है कि लोकल प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड लोकल यूज ऑफ गुड। आप मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष पे प्रोडक्शन हो रहा है किसी सामान का और वहीं पे उसकी खपत हो रही है, मतलब कोई बाहर ट्रेड के लिए वो सामान नहीं जा रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, ना ही बाहर से कोई इम्पोर्ट हो रहा है, तो मतलब एक क्षेत्र विशेष तक सीमित है। तो ये उस टाइम पे काफी प्रेवलेंट था, लोकलिज्म और रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद। इस कारण से ट्रेड जो थी डिक्लाइन हुई, ठीक है, ट्रेड में एक प्रकार की गिरावट आई। और दूसरा रीजन कह सकते हैं कोलेप्स ऑफ रोमन एम्पायर। जो रोमन एम्पायर है, जो बड़ा एक विशाल रोमन एम्पायर हुआ करता था, इसके बारे में हम लोगों ने पहले चैप्टर में डिस्कस भी किया है, इटली इसकी राजधानी हुआ करती थी, फिर ये बाद में दो भागों में बट गया, वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर। जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था उसका फिर कोलेप्स हो गया, लेकिन ईस्टर्न वाला काफी समय तक जो था शासन किया उसने, उसको वाइजेंटियम एम्पायर भी बोलते हैं। तो जो वेस्टर्न वाला था उसका कोलेप्स हो गया था, वो उसकी इंडिया के संग ट्रेड थी, जब उसका कोलेप्स हो गया तो ट्रेड में भी गिरावट आई। तो इस वजह से इसको भी एक कारण माना जाता है जो ट्रेड में डिक्लाइन हुआ था इस दौरान में, इंडिया में, इस दौरान इंडिया में जो डिक्लाइन हुआ था ट्रेड में। और तीसरा रीजन धर्मशास्त्र। ये एक प्रकार की जो थी रूल्स होते थे, धर्मशास्त्र एक बुक होती थी उसमें रूल लिखे जाते थे, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे। तो इसमें जो ये रूल्स लिखे गए थे वो ट्रेड के विपरीत थे, मतलब जो थे ट्रेड के डिसफेवर में थे। वो कुछ ऐसा बोलते थे कि आप बाहर नहीं जा सकते ट्रेड करने, हम लोग उसको आप बाद में देखेंगे, समुद्र के रास्ते से नहीं जा सकते हैं, जो खारे समुद्र के रास्ते से हैं वो अशुद्ध हो जाएंगे, तो ये सब के बारे में वहां पे। तो ये तीन रीजन बताए गए हैं, कौन सा? पहला लोकलिज्म और रीजनलिज्म हो गया, और कोलेप्स ऑफ रोमन एम्पायर, और तीसरा धर्मशास्त्र। तो इस बुक में ये तीन रीजन लिखे हैं कि ये कारण हो सकते थे उस टाइम ट्रेड के डिक्लाइनेशन का, जो ट्रेड डिक्लाइन हुई थी वो इन कारणों की वजह से हो सकती है। हालांकि जो कोलेप्स ऑफ रोमन एम्पायर है उसको इतना उचित कारण नहीं माना जाता है, क्योंकि जब उसका कोलेप्स हो गया तो मैंने बताया रोमन एम्पायर दो भाग में डिवाइड हो गया था, तो जो ईस्ट वाला रोमन एम्पायर था उसको बाइजेंटियम एम्पायर भी बोलते हैं, उसके संग ट्रेड जारी रही थी इंडिया की। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि जो रोमन एम्पायर का कोलेप्स था उसने इतना जो था अफेक्ट नहीं किया इंडिया की ट्रेड को, क्योंकि उस टाइम जो था वाइजेंटियम एम्पायर का उदय हो चुका था और ससानियद एम्पायर जो ईरान का था, और ऐसा माना जाता है कि इंडिया की इनके संग ट्रेड रिलेशन थे अच्छे और ट्रेड होती थी, तो इतना अफेक्ट नहीं किया होगा रोमन एम्पायर के कोलेप्स ने। और उस जो 7th सेंचुरी थी उसमें जो था अरब एम्पायर का भी जो राइज हो चुका था, तो अरब जो थे उन्होंने ट्रेड एक्सपेंड की, ठीक है, तो वेस्ट से फिर ट्रेड होने लगी, अरब वेस्ट में है तो फिर इधर एरिया में इंडिया से ट्रेड होने लगी उनकी, साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन से होने लगी और जो था चाइना से होने लगी, ठीक है। और इंडिया के जो थे अच्छे ट्रेड रिलेशन थे साउथ ईस्ट एशिया वाली कंट्रीज जो थी, साउथ ईस्ट एशिया वाली जो एशियन कंट्रीज हैं उस टाइम कौन से होते थे? जावा सुमात्रा वाला एरिया था जो इंडोनेशिया प्रेजेंट में है, और इधर आपका मलाया पेनिनसुला वाला एरिया था, ठीक है, तो उनसे अच्छे ट्रेड रिलेशन थे। और जो ये साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन को कहा जाता था स्वर्ण भूमि, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता था स्वर्ण भूमि। द रूलर्स इनवाइटेड ब्राह्मण्स टू सेटल डाउन बाई गिविंग देम ग्रांट ऑफ रेंट फ्री लैंड। जो शासक थे उन्होंने ब्राह्मणों को काफी बढ़ावा दिया। बढ़ावा देने का मतलब यह है कि उन ब्राह्मणों को इनवाइट करते थे और उनको लैंड दे देते थे, जमीन का बड़ा टुकड़ा दे देते थे और वो रेंट फ्री होता था, ठीक है, उनको उसका रेंट नहीं देना होता था, सारा जो था उसका जो रेवेन्यू आता था वो उनके अंडर में रहता था, ठीक है।
तो इन ब्राह्मणों ने जो इनवाइट किए गए, उनको जो लैंड दिया गया, उन्होंने फिर कल्टीवेशन इम्प्रूव किया, ठीक है। जो आदिवासी थे, जो खानाबदोश रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, तो वो वहां पे सेटल हो गए, और फिर उन्होंने क्या था, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया उसी लैंड पे, और फिर अच्छी सी एग्रीकल्चर हुई और आपका कल्टीवेशन फ्लोरिश हुआ। तो खेती का विस्तार हुआ, कल्टीवेशन फ्लोरिश हुआ, ठीक है। तो इसका जब एक्सपेंशन हुआ, तो उसने जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे और जो सामंत थे, उनकी कंडीशन भी मजबूत हो गई, क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा आने लगा। रेवेन्यू ज्यादा आने लगा तो फिर उनकी पोजीशन को मजबूत करेंगे ही करेगा वो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग धर्मशास्त्र की। तो मैं पहले बता चुका हूं, जो धर्मशास्त्र थे वो एक प्रकार की रूल बुक हुआ करती थी, उसमें रूल्स और रेगुलेशन होते थे कि कैसे काम करना है, ठीक है, राजा के लिए और जो और भी जो लोग थे उनके लिए एक रूल और रेगुलेशन होते थे। तो उसमें कुछ ऐसे रूल्स थे ट्रेड से रिलेटेड, जो ट्रेड को डिसफेवर कर रहे थे, ठीक है, ट्रेड को डिक्लाइन करने का काम कर रहे थे। वो क्या थे, देखिए, उसमें कुछ रूल ऐसे थे कि प्रतिबंध लगाया गया था वहां पे जाने से, जहां पे मुंजा नाम की जो घास होती है वो नहीं उगती थी, और काला चिंकारा नहीं घूमता। तो मतलब, अर्थात कहने का मतलब ये, भारत के बाहर घूमना उसमें उचित नहीं बताया गया था। ये कहा गया था कि अंदर ही अंदर जो करना है करो, आप बाहर मत जाइए। हालांकि इतना इसको फॉलो नहीं किया गया। तो देखिए, उस टाइम की एक बुक थी हरिशयन की, बृद कथा कोश, तो उसमें कुछ क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया था और कुछ कपड़ों का उल्लेख किया गया था, ठीक है। और भारतीय जो व्यापारी थे उनको गिल्ड में व्यवस्थित किया गया था। गिल्ड एक प्रकार की श्रेणी होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर गिल्ड होता है, उसमें व्यापारी होते हैं, ठीक है, तमाम जातियों के। तो उसमें सबसे प्रसिद्ध थी मनी ग्रामन और नाना देसी, ठीक। तो जो ये इंडियन मर्चेंट किसमें ऑर्गेनाइज होते थे, गिल्ड में। तो बहुत सारी गिल्ड होती थी, उसमें सबसे फेमस जो थी मनी ग्रामन और नाना देसी थी। जो एक मुख्य आपका बंदरगाह था वो बंगाल का था, तमरा लिप्ति बंदर, ठीक है, तामलुक इसको बोलते हैं। तो ये बंगाल में था, तो वहां से शिप जाते थे कहाँ, जावा और सुमात्रा, ठीक है। तो वो मेन सेंटर था। और अब ये कुछ नाम दिए गए हैं उस टाइम पे जो इनको बोला जाता था, तो ये देख लीजिए, ये मैचिंग में आ सकते हैं, ठीक है। सुवर्णद्वीप किसको बोला जाता था, वो बोला जाता था आधुनिक इंडोनेशिया वाले एरिया को, जो जावा और सुमात्रा वाले एरिया, उसको क्या बोला जाता था, सुवर्णद्वीप। जम्बूद्वीप किस पे वो बोला जाता था, वो बोला जाता था भारत को, जिसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है, जम्बूद्वीप। ये कभी मैचिंग वगैरह में आ सकता है किसी भी एग्जाम में। और कर्नाटका तो ये साउथ इंडिया वाला है। और गोंड किसको बोला जाता था, बंगाल। तो जो भारतीय कुछ शासक थे बंगाल के पाल हो गए, और आपके दक्षिण भारत के पल्लव और चोल हो गए। तो मैंने बताया था चोल जो थे काफी, उनकी उस टाइम पे ट्रेड जो थी फ्लरिश की थी, उनकी नेवी बहुत अच्छी हुआ करती थी, ये साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन थे, उनकी अच्छी ट्रेड थी, और उन्होंने अपना चाइना में एक पूरा जो राजदूत भी भेज दिए थे वो ट्रेड को बढ़ाने के लिए वहां पे, ठीक। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि विशेष रूप से बंगाल के पाल और दक्षिण भारत के पल्लव और चोल ने चीनी सम्राटों को दूतावास की एक श्रृंखला भेजकर इस व्यापार को प्रोत्साहित करने का प्रयास, मतलब ट्रेड को फ्लरिश करने का काम किया था। तो हुआ क्या था, ये राजेंद्र चोल थे, उनकी जो ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे थे साउथ ईस्ट एशिया वाले नेशन थे, जावा सुमात्रा और ये मलाया पेनिनसुला वाले रीजन थे। लेकिन जो साउथ ईस्ट एशिया वाला जो ये रीजन था, उसका चाइना वाले रूट पे कंट्रोल था। तो पहले तो इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे जो चोल शासक थे राजेंद्र वन, ठीक। तो फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि चाइना वाले रूट पे उनका कब्जा करना था, तो उन्होंने उन्हीं पे अटैक कर दिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया वाले जो रीजन थे, वहां पे सैलेंदर डायनेस्टी हुआ करती थी, श्री विजय एम्पायर के अंतर्गत आती थी वो। तो वहां पे भी उन लोगों ने जो राजेंद्र थे उन्होंने अटैक कर दिया, और फिर उसको कैप्चर कर लिया चाइना वाले रूट को, और फिर चाइना से ट्रेड इंडिया की फ्लरिश करने लगी। अब बात करते हैं समाज की प्रकृति उस टाइम कैसी होती थी, जो सोसाइटी होती थी वो कैसी होती थी, उसका नेचर कैसा होता था। तो देखिए, सबसे पावरफुल तो किंग होता था, तो पता ही आपको। उसके अलावा जो लोग होते थे उसमें से वो कौन होते थे, जो ज्यादा पावरफुल एक क्लास होती थी उसमें कौन आते थे, सामंत उनको बोलते थे, रणक बोलते थे, राउत बोलते थे, ठीक। तो शासक द्वारा इनको अनुदान दिया जाता था, दान दिया, राजस्व दान दिया जाता था, उसको भोग बोला जाता था, ठीक। भोग या इंग्लिश में कहें तो फीप बोला जाता था। ये कौन देता था, जो आपका रूलर है वो इनको, ऑफिसर्स को और सपोर्टर को ये देता था, उसको बोलते थे भोग या फीस।
तो कुछ हिस्टोरियन ने इसको फ्यूडल कहा है, फ्यूडल सोसाइटी कहा है, इसको यूरोप से इसकी तुलना की है, लेकिन उसके कुछ कंपोनेंट इसमें नहीं होते थे। सबसे पहले चैप्टर में हम लोगों ने फ्यूडलिज्म पढ़ा था, फ्यूडलिज्म को मैंने एक चार्ट के तौर समझाया था। सबसे ऊपर किंग होता है, फिर उसके नीचे आपका फ्यूडल लॉर्ड्स आते हैं, फिर उसके नीचे नाइट्स आते हैं, फिर उसके नीचे पीजेंट्स आते हैं। तो फ्यूडल लॉर्ड्स क्या होते हैं, जो सामंत होते हैं, जो आपका एक किंग होता है, किंग लैंड देता है फ्यूडल लॉर्ड्स को, वो उनके अंडर में रहता है, फिर वो उस पर अपनी खेती वेती कराते हैं। ठीक, खेती वेती करा करके जो रेवेन्यू आता है उनसे एक सेना रखते हैं वो लोग, और सेना को जो है सर्विस वो किंग को देते हैं। तो ये था एक, तो एक चार्ट के थ्रू मैंने आपको इस प्रकार समझाया था कि ऊपर एक होता है किंग, फिर उसके नीचे आते हैं आपके फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते हैं, जो सामंत होते हैं, फिर उसके नीचे आते हैं नाइट्स, नाइट्स होते हैं जो घुड़सवार सेना को बोला था नाइट्स, उसके नीचे आते हैं पीजेंट जो होते हैं कृषक दास। तो ये जो आपके सबसे ऊपर वाले कौन थे, किंग था, किंग लैंड ग्रांट करता है किसको, फ्यूडल लॉर्ड्स को, फ्यूडल लॉर्ड्स अपनी एक सेना मेंटेन करते हैं, और वो सेना जो है इन पीजेंट से काम कराती है, और फिर जो थे ये एक दूसरे के सबॉर्डिनेट होते हैं। किंग के सबॉर्डिनेट हो गए कौन, उनको बसाल्स बोलते हैं, सबॉर्डिनेट को बोलते हैं बसाल्स। तो किंग के जो सबॉर्डिनेट हो गए कौन, फ्यूडल लॉर्ड, फ्यूडल लॉर्ड के सबॉर्डिनेट नाइट, और नाइट के सबॉर्डिनेट जो हो गए पीजेंट हो गए। तो इस प्रकार के जो थी वहां पे कंपोनेंट नहीं थे, उनको फ्यूडलिज्म तो बोला जाता था। एक सर्फ होता था, सर्फ जो था एक कृषक दास को बोलते थे, और मैनर होता था, मैनर वो होता था जो एक महल होता था जहां पे फ्यूडल लॉर्ड रहते थे। तो इस प्रकार के कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो कुछ हिस्टोरियन ने इसको फ्यूडलिज्म तो कहा है, लेकिन पूर्णतः ये आइडेंटिकल नहीं थी जो यूरोप में फ्यूडलिज्म थी उसके। तो तभी कुछ जो अदर इतिहासकार हैं उन्होंने सोसाइटी को कहा है मिडिवल सोसाइटी, मिडिवल सोसाइटी, ठीक, मध्यकालीन समाज कहना पसंद किया है, और कुछ ने इसको फ्यूडलिज्म ही नाम दिया है। तो देखें तो 8वीं शताब्दी में भारत में एक नए प्रकार की जो थी विकसित हो गया था, जिसने स्थानीयता और उपक्षेत्रीयता पर जोड़ दिया। तो हम लोग देख ही चुके हैं जो लोकलिज्म और रीजनलिज्म को उस टाइम पे बढ़ावा ज्यादा दिया जाता था, इसी वजह से जो थी ट्रेड भी कुछ हद तक डिक्लाइन हो गई थी, कि भाई लोकल एरिया है, लोकली प्रोडक्शन करो और लोकली उनका उपयोग करो। तो इससे क्या हुआ कि बाहर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो था बंद हो गया, तो जब वो बंद हो जाएगा तो ट्रेड भी बंद हो जाएगी। तो ये इंटरनल जो ट्रेड थी वो भी बंद हो गई, मतलब एक जो देश में होती थी पर्टिकुलर, जो इंडिया के अंदर ही होती थी, ठीक है, पर्टिकुलर किसी कंट्री में होती है, तो वो भी उस पर भी काफी हद तक डिक्लाइन आया था। फॉरेन ट्रेड में तो डिक्लाइन आया था। अब बात करते हैं लोगों की व्यवस्था अवस्था पर, उस टाइम पीपल की कंडीशन कैसी होती थी। तो देखिए, इंडिया हमेशा से जो हाथ की कलाकारी है उसमें तो हमेशा से अव्वल रहा है। तो उस टाइम कोई इसमें गिरावट नहीं आई थी, जो हैंडीक्राफ्ट थे और जो टेक्सटाइल थी और आपका मेटलर्जी जो थी, धातु कर्म था, धातु विज्ञान था, उसमें कोई गिरावट नहीं आई थी। ठीक है, खूब आपकी जो थी मूर्तियां बनाई जाती थी धातु की, और जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह ये सब बनाए जाते थे, इसमें कोई पर्टिकुलर गिरावट नहीं आई थी। और एग्रीकल्चर जो थी वो भी फ्लरिश कर रही थी, क्योंकि सामंती व्यवस्था थी, तो वो जो थे लैंड पे अच्छी खेती कराते थे, अच्छी खेती कराते तो अच्छा रेवेन्यू क्रिएट होता था। तो इस प्रकार से जो खेती भी थी वो भी फ्लरिश कर रही थी, और आपके जो मिनिस्टर और ऑफिशियल और जो ये फ्यूडल चीफ्स हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो बड़े बड़े लोग, अधिकारी लोग हैं, वो बहुत विलासिता और वैभव का जीवन जो थे गुजार रहे थे। ठीक है, बहुत लग्जरियस लाइफ जो थे स्पेंड कर रहे थे, और अपने आप को हाई टाइटल से रिज्यूम करते थे, जैसे कौन सा, देखिए, महा समंताधिपति, ऐसे उच्च स्वर वाले, और बहुत शोई नेचर के होते थे। ठीक है, मतलब ये बहुत दिखाते थे अपनी लग्जरी को, शो ऑफ करते थे दूसरे के सामने। तो ये जो थे विलासिता और बहुत शोई नेचर के थे, और हाई टाइटल एज्यूम करते थे। एक तरफ तो ये बहुत विलासिता का जीवन गुजार रहे थे, लेकिन अगर देखें तो सिटीज में जो आम आदमी था, लोकल गरीब लोग थे, उनको 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल हो रही थी। तो एक जो बुक है राजतरंगिणी, आपको पता ही होगा किसने लिखी है, ये कलहण के द्वारा लिखी गई है। तो उसमें उन लोगों ने उसमें बताया है, बुक में ये बताया गया है कि एक तरफ तो वो मांस और मीट और ये सब का सेवन कर रहे थे, जो आपके उच्च पकवान हैं, और दूसरी तरफ जो ऑर्डिनरी लोग थे उनको राइस और जो उत्पल शाक, एक उत्पल शाक एक कड़वी वेजिटेबल होती है, उस पे निर्भर रहना पड़ रहा था जो ऑर्डिनरी मैन थे।
तो ये था मतलब सोसाइटी में एक प्रकार से बहुत ज्यादा आपका देखा जाए तो असमानता थी, एक तरफ बहुत अमीर लोग थे और दूसरी तरफ बिल्कुल ही गरीब थे, इनको भोजन भी कायदे से नहीं मिल रहा था। और अगर उसकी टैक्स की बात करें तो लैंड टैक्स के साथ साथ कुछ एडिशनल टैक्स भी लगाए जा रहे थे। लैंड टैक्स तो 1/6 कहा कि भाई लैंड टैक्स है, लेकिन उसके संग संग कुछ एडिशनल टैक्स भी लिए जा रहे थे किसके नाम पर, जो आपका जैसे चराई के नाम पर और पॉन्ड के नाम पर, कि भाई एग्रीकल्चर टैक्स दे रहे हैं लेकिन आपके लिए जो सिंचाई के लिए जो नहर आ रही है उसका भी आप टैक्स दीजिए, उससे जो आप पानी ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जो था टैक्स काफी ज्यादा हो जाता था। और आप जो किसान थे उनको बेगार भी करना पड़ा था, मतलब एक फोर्स लेबर भी उस समय प्रिविलेंट था, ठीक, उसको विष्टी बोलते थे, जो फोर्स लेबर होती थी उसको विष्टी बोलते थे। तो ये जो टर्म है कुछ इसको एक याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये कभी कभी मैचिंग ये में आ जाती है। तो जो ये फ्यूडलिज्म था, जो फ्यूडल व्यवस्था थी, तो इसने जो कॉमन मैन पे वर्डन काफी बढ़ा दिया था, ठीक। फ्यूडलिज्म में क्या होता है, फ्यूडल जो चीफ्स होते हैं वो अपने अंडर में काम कराते हैं, ठीक है, कॉमन मैन से जो कृषक होते थे। तो इस प्रकार से वहां पे उस पर वर्डन काफी बढ़ गया था सोसाइटी पे जो कॉमन मैन थे, और जो फ्यूडलिज्म एक तरफ ग्रो हो रहा था और वो हाई क्वालिटी की लाइफ स्पेंड कर रहे थे, अपनी लग्जरियस लाइफ। अब बात करते हैं हम लोग कास्ट सिस्टम की, जो जाति व्यवस्था है। तो देखिए जाति व्यवस्था एक सोशल सामाजिक अंग है। तो ये मैंने जैसा बिल्कुल पहली स्लाइड में डिस्कस किया था, कोई जो सोशल ट्रेडिशन होती है वो इतनी जल्दी बदलती नहीं, वो पर्टिकुलर एरिया की जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं वो तो बदल जाते हैं। एक नया साम्राज्य आया, उसकी जगह दूसरा स्थापित हो गया, तो पॉलिटिकल आइडियाज बदल गए, राजा बदल गए, लेकिन एक कोई सोशल ट्रेडिशन जो पहले से प्रिवेलेंट है वो इतनी जल्दी बदलती नहीं, वो कंटिन्यू रहती है, ठीक है। जो सामाजिक आपके परंपराएं हैं और विचार हैं और जो धारणाएं हैं वो इतनी जल्दी नहीं बदलती, वो लोगों के दिमाग में सालों सालों तक रहती हैं और उनको बदलने में शताब्दियां लग जाती हैं। तो उस टाइम भी ऐसा ही था, जो कास्ट सिस्टम पहले से प्रिवलेंट था, जो आपकी 8वीं 9वीं शताब्दी से पहले वो इस समय भी प्रिवलेंट रहा, ठीक है। और जो ब्राह्मण थे उनकी कंडीशन काफी स्ट्रेंथन हो गई इस काल में भी, ठीक। और उनको जैसा मैंने बताया कि रेंट फ्री लैंड दिए जाते थे ग्रांट में ब्राह्मण्स को, तो इससे और उनकी कंडीशन जो थी स्ट्रेंथन हो गई, मजबूत हो गई। उनको पद दिया जाने लगा उच्च राजस्व अधिकारियों का, मंत्री अकाउंटेंट के रूप में भी कार्य संभालने लगे जो ब्राह्मण थे। और शिक्षा और साहित्य में उनकी जो गतिविधियां थी वो तो थी, उनका एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था उनकी गतिविधियों का, शिक्षा और साहित्य। आप देखिए राजपूत की बात कर लेते हैं, तो राजपूत एक न्यू सेक्शन था जिसका उस टाइम पे उदय हुआ था, जो राजपूत थे वो इसी काल में इनका उदय हुआ था, ठीक है, जो फिर बाद में काफी लंबे समय तक चले, ठीक, अलग अलग क्षेत्रों में। तो इनका जो उदय हुआ था वो इसी समय पे हुआ था, लेकिन इनका कंट्रोवर्सी है, एक प्रकार से विद्वानों में विवाद है कि इनकी उत्पत्ति के विषय में, कुछ कहते हैं कि उनकी उत्पत्ति किसी तरह से हुई, कुछ कहते हैं किसी तरह से हुई, तो उनके कुछ मत देख लेंगे। तो देखिए कई जो राजपूत वंश हैं वो ये मानते हैं कि जो महाभारत में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रिय थे वे उनके उनसे रिलेटेड हैं, ठीक है, उनके वंशज मानते हैं अपने आप को, जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो महाभारत में वर्णित थे। लेकिन कुछ दूसरे जो वंश हैं वो ये मानते हैं कि जो एक मुनि वशिष्ठ थे उन्होंने माउंट आबू में जो यज्ञ किया था तो उससे उनका जो उत्पत्ति हुई है। तो ये ऐसा कौन मानते हैं, वो मानते हैं प्रतिहार जो थे परमार और चौहान और सोलंकी, वो ये यज्ञ वाली थियरी को मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति जो थी मुनि वशिष्ठ द्वारा जो यज्ञ किया गया था उससे हुई थी। और सम ऑफ देम कंसीडर, कुछ हिस्टोरियन हैं उनको मिक्स्ड ओरिजिन मानते हैं, वो सब कुछ कहते हैं ये जो फॉरनर्स थे जो शक और हुनार आए थे इंडिया में उनके ये वंशज हैं, और कोई इंडिजिनस ट्राइब या कोई स्वदेशी जनजातियों के भी वंशज हो सकते हैं या ब्राह्मणों के भी, तो ऐसा माना जाता है। लेकिन इनका कोई जो था प्रॉपर साक्ष्य कोई नहीं है, प्रॉपर एविडेंस कोई नहीं है, सब अपनी अपनी थ्योरी देते हैं। तो इससे जो राजपूत के अलग अलग वंश हैं उनकी उत्पत्ति को भी अलग अलग प्रकार से मान लिया जाता है, ठीक, क्योंकि सब अपनी थ्योरी अलग अलग दे रहे हैं। पाल और ये सॉरी प्रतिहार और परमार ये बोल रहे हैं कि हम लोग यज्ञ से उत्पन्न हुए जो वशिष्ठ द्वारा किया गया था, और कुछ ये बोल रहे हैं कि जो हम लोग वंशज थे कौन किसके, जो महाभारत में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रिय थे उनके, ठीक।
उस टाइम पे एक ब्राह्मण क्षत्रिय का जो एक मिक्स स्टेटस था वो भी काफी प्रिवलेंट था, जिसमें ये दावा किया जाता था कि जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मण माँ से हुई है, ठीक है, जो ये मिश्रित ब्राह्मण क्षत्रिय वाला जो स्टेटस था इसकी, ठीक है, जो भी होते थे ये जो इसको एज्यूम करते थे वो ये बोलते थे कि उत्पत्ति ब्राह्मण माँ से हुई है। और ब्राह्मण और जो राजपूत का अलायंस था उस टाइम पे, देखिए ब्राह्मण राजपूत का अलायंस काफी फेमस हुआ करता था, जो राजपूत एक रूलर हुआ करता था वो अपना एक ब्राह्मण को अपॉइंट करता था, उसको राजपुरोहित बोलते थे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, राजपूत मंदिर बनवाते थे, उनको ग्रांट देते थे और वहां के पुजारियों को, ठीक है, बहुत सारा अनुदान देते थे, ठीक है, वापस पुजारी जो थे पूजा पाठ में ध्यान लगाते थे, धर्म को आगे बढ़ाते थे, और ये जो थे आपका पैसा लगाकर और जो तमाम दान दे करके मंदिरों का निर्माण कराते थे और ब्राह्मणों की और पुजारियों की स्थिति को अच्छा करते थे। तो जो कास्ट सिस्टम था वो इतना कठोर नहीं था जितना पहले हुआ करता था। ये सिस्टम तो था, जाति व्यवस्था थी, लेकिन इतनी कठोर नहीं थी। जो व्यक्ति थे अपने समूह में वर्ण सोपान में बढ़ सकते थे और गिर भी सकते थे, ठीक है। तो जो वर्ण सोपान है उसमें बढ़ भी सकते थे गिर भी सकते थे। और एक जो कास्ट है उसको कायस्थ बोला गया। वो एक्चुअल में कौन होते थे पहले, वो शाही प्रतिष्ठानों में जो काम करते थे उनको कायस्थ बोला गया। तो पहले कोई ये पर्टिकुलर जाति नहीं होती थी इसमें, मतलब कोई भी आ सकता था, क्षत्रिय भी आ सकते थे, ब्राह्मण शूद्र कोई भी आ सकते थे, लेकिन ये शाही प्रतिष्ठानों में जो काम करते थे उनको कायस्थ बोला जाता था। फिर बाद में ये इसने जाति का रूप ले लिया, ठीक। तो पहले ये जाति नहीं हुआ करती थी, बाद में लिया। जो किसने लिया, जो शाही प्रतिष्ठा जो आपके रॉयल एस्टेब्लिशमेंट में काम करते थे। इस टाइम पे जो हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा था और बड़ी संख्या में बौद्ध और जो जैन थे को अपने में समेट रहा था, क्योंकि उससे पहले बौद्ध और जैन धर्म भी काफी प्रिवलेंट था। कई रूलर जो थे जैन धर्म के संरक्षक थे, कई रूलर बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, लेकिन धीरे धीरे हिंदुइज्म में एक्सपेंड हो रहा था और जो बौद्ध और जैन थे उनको भी अपनी तह में समेट रहा था। और कई जो देशी जनजातियां थीं उन पर भी हिंदू धर्म ने कब्जा कर लिया, मतलब उनको भी अपने अंडर में ले लिया। अब बात करते हैं शूद्र दलित और दासों की जो स्लेव्स थे। तो देखिए शूद्र कौन होते हैं आपको पता ही होगा, जो वर्ण सिस्टम होता है उसमें जो लस्ट वाला कंपोनेंट होते हैं शूद्र होते हैं, ठीक, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो इनकी स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ था, हालांकि इनको वेद का जो अध्ययन था उसकी अनुमति नहीं दी गई, वेदों के अध्ययन की अनुमति इनको नहीं दी गई, लेकिन ये कुछ अनुष्ठान के पात्र बन गए। इनको अनुष्ठान करने, कुछ रिचुअल्स करने की अनुमति दे दी गई, जैसे आपका डेथ सेरेमनी हो गई, बर्थ सेरेमनी हो गई, इनकी इनको अनुमति दे दी गई। और इंटरकास्ट मैरिज प्रिविलेंट थी, लेकिन उसका कुछ रूल थे। जो हाई कास्ट अगर मैन है और वो लो कास्ट वुमेन से शादी कर ले, ठीक है, लो कास्ट वुमेन से शादी कर ले तो उसको अनुलोम कहा जाता था, और ये आदर्श के अनुसार मानी गई थी, ठीक है। ये जो इंटरकास्ट मैरिज थी इसको लीगल माना गया, किसमें, अगर पुरुष जो है उच्च जाति का हो और महिला निम्न जाति की हो, तो इस मैरिज को बोला गया अनुलोम और ये आदर्श के अनुसार मानी गई। लेकिन इसका उल्टे को बोला गया किसमें, जिसमें पुरुष निम्न जाति का हो और महिला उच्च जाति की हो, उसको बोला गया प्रतिलोम, आदर्श के विपरीत, ठीक। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ और उनको जो था कुछ रिचुअल्स के लिए उनको अनुमति दे दी गई, कुछ रिचुअल्स को वो परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी। तो अगर वुमेन जो है वो लो कास्ट की है और मैन हाई कास्ट का है, तो उस मैरिज को लीगल माना गया, उसको बोला गया अनुलोम अकॉर्डिंग टू नॉर्म, और इसके विपरीत जो है अगर मैन लो कास्ट का है और वुमेन हाई कास्ट की है उसको प्रतिलोम माना गया, उसको अगेंस्ट नॉर्म माना गया, ठीक, आदर्श के विपरीत माना गया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस काल में शूद्र को दलितों से अलग रखा गया, शूद्र को अलग बताया गया, दलितों को अलग बताया गया। दलित कौन हुए, तो जो कौन काम करते थे मैला ढोने का और मृत जानवर जो होते थे उनकी खाल निकालने का और जूता बनाने वाले को अलग रखा गया, उनको शूद्र नहीं बोला गया, ठीक है। तो उनको कहा गया अंत्यज या अछूत, ठीक। तो एक प्रकार से ये पांचवा सोशल ग्रेड बनकर उभरे, कौन, जो दलित थे, और इनको सबसे नीचा माना गया, शूद्रों से भी नीचा, और शूद्र और दलितों को अलग अलग माना गया, अलग अलग रखा गया। उस समय स्लेवरी भी काफी ज्यादा प्रिविलेंट थी, जो दासता थी उस समय काफी ज्यादा प्रचलित थी। इसमें क्या होता था कि जो कैदी होते थे
प्रिजनर्स होते थे उनको दास बनाकर काम किया जाता था, और अगर कभी अकाल पड़ता था तो काफी जो फार्मर होते थे अपने बच्चों को और बीवी को बेच दिया करते थे, ठीक है, एज ए दास, एज ए स्लेव बेच दिया करते थे, ठीक, क्योंकि अवेलेबल नहीं होता था भोजन, बिल्कुल खेती बाड़ी बेकार हो गई होती थी तो कुछ बचता नहीं था उनके पास, तो वो बीवी बच्चों तक को बेचने की नौबत आ जाती थी दास बनाकर। तो एक वहां पे उस टाइम पे रूल था कि अगर कोई स्लेव है, कोई दास है, अपने जो मालिक की जान बचा लेता है तो वो मुक्त कर दिया जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी जो मालिक है उसमें से कुछ हिस्सा उसको मिलेगा। तो इस प्रकार दासता से जो मुक्ति देना है उस टाइम पे अच्छा समझा जाता था, लेकिन उसका रूल और रेगुलेशन थे कुछ, जिसमें से एक रूल ये भी था कि अगर आप अपने मालिक की जान कोई दास बचाता है तो उसको जो है फ्री कर दिया जाएगा और कुछ प्रॉपर्टी में से उसकी जो मालिक है कुछ हिस्सा उसके नाम कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं महिलाओं की स्थिति की। तो देखिए, महिलाओं की स्थिति जो थी उसमें महिलाओं को जो था वेदों के जो अध्ययन से दूर रखा गया, और जो लड़कियां थीं, जो गर्ल्स थीं, उनकी जो विवाह की आयु है उसको कम कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इनको मौका ना मिल सके, ज्यादा अवसर ना मिल सके पढ़ने का लिखने का, और अवसर को कम करने के लिए ही ये जो थी विवाह की आयु को भी घटा दिया। और पुनर्विवाह की अनुमति थी लेकिन कुछ शर्तों के तहत दी जाती थी, कुछ शर्तें मेंशन थी उसके तहत ये दी जाती थी, लेकिन अनुमति थी, बात को ध्यान रखिएगा। और जो महिलाओं को संपत्ति के अधिकार प्राप्त थे, अपने पुरुषों की संपत्ति को विरासत में प्राप्त कर सकती थी वो, तो महिलाओं को राइट टू प्रॉपर्टी उस टाइम पे था और राइट टू रिमैरिज भी था, लेकिन अंडर सम कंडीशंस, ठीक है, कुछ कंडीशन के अंदर उनको रिमैरिज अलाउ थी। कोई पर्दा सिस्टम प्रिवलेंट नहीं था, जो किंग्स के कोर्ट होते थे वहां पे जो उनकी रानी वानी थी जो बिना पर्दे के बैठती थी, इतना मतलब पर्दा वगैरह पे ध्यान नहीं दिया जाता था। पर्दा प्रथा जो होती थी, यहाँ पे धोखे से पर्दा लिख गया तो इसको पर्दा कर लीजिए, तो पर्दा प्रथा जो थी उसकी व्यवस्था इतनी नहीं थी। जो मैरिज एज थी वो कितनी थी? 6 से लेकर 8 साल मिनिमम थी, और मैक्सिमम कितनी थी? अटेंड प्यूबर्टी, की जो प्यूबर्टी है यौवन प्राप्त करने तक की जो एज थी वहां से, तो अगर हम लोग कहें तो 6 से लेकर 8 तक से 12 से 13 साल के बीच जो थी विवाह कर दिया जाता था मोस्ट मोस्ट केसेस में। और जो विमेन थी उनको एकांत में रखा जाता था और पब्लिक लाइफ से दूर रखा जाता था, सार्वजनिक जीवन से दूर रखा जाता था, सार्वजनिक लोगों की नजरों से दूर रखा जाता था, हालांकि घर में उनका काफी सम्मान किया जाता था। महिलाओं को घर में सम्मान प्राप्त था लेकिन सार्वजनिक जीवन से दूर रखा जाता था, एकांत में रखा जाता था। अब बात कर लेते हैं ड्रेस, फूड और मनोरंजन के साधनों की। उस टाइम वस्त्र कैसे थे, खान पान कैसा था, और मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे लोग। तो देखिए, धोती और साड़ी जो थी वो कॉमन ड्रेस हुआ करती थी। धोती आपका मेंस की और साड़ी जो थी विमेंस की कॉमन ड्रेस हुआ करती थी। और नॉर्थ इंडिया में आपका जैकेट भी चलता था और चोली भी चलती थी। अपर क्लास के लोग जो थे सिल्क को का भी उपयोग कर लेते थे, सिल्क उस टाइम पे काफी महंगा माना जाता था। और जो मुस्लिन हुआ करता था एक प्रकार का अच्छा मुस्लिन, उसका भी इस्तेमाल करते थे, मलमल का, तो ये नॉर्मल लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, जो अपर क्लास के लोग थे, ऊपरी वर्ग के लोग थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स और चीफ और जो ऑफिसर्स वगैरह थे वो इनका उपयोग कर सकते थे। जो सिल्क है वो काफी महंगा होता है, जो प्योर सिल्क होता है, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, जो सिल्क उत्पन्न करता है उस कीट का नाम बताइए, ठीक है, किसके कोकून में सिल्क उत्पन्न होता है? ये मैंने अपनी जो साइंस की सीरीज थी उसके वीडियो लेक्चर में भी क्वेश्चन किया था। तो सिल्क वॉर्म का जो था साइंटिफिक नाम बता दीजिए, और ये किस पेड़ की पे जो है निवास करता है जो सिल्क वॉर्म होता है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। साइंस का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, आई होप कि आप जरूर कमेंट करेंगे। जो मेन और विमेन थे वो गोल्ड के ब्रेसलेट और इयररिंग का उपयोग करते थे, और सदर्न इंडिया के जो लोग थे वो ज्वेलरी के काफी किंग्स थे, जो सदर्न इंडिया के वो काफी शौकीन थे ज्वेलरी के। और उस टाइम पे जो था मीट, कुछ ओकेजन होते थे ऐसे जहां पे मीट को खाना जो है कानूनी उचित माना गया है, ठीक, कोई उन पे इतना बैन नहीं था कि मीट बिल्कुल नहीं खाया जाएगा, कुछ ओकेजन पे मीट चलता था, और जो शराब थी वो भी चलती थी समारोह के मौके पर, तो शराब और मीट का सेवन किया जाता था लोगों द्वारा।
अब बात कर लेते हैं मनोरंजन के साधनों की। तो देखिए, आपके जो त्योहार होते थे और मेलों के अलावा स्विमिंग, तैराकी होती थी, और उस टाइम पे बहुत प्रिवेलेंट थी फाइट एमंग वेरियस टाइप ऑफ एनिमल। जो आपके जानवरों की फाइट है वो काफी एक मनोरंजन का मुख्य साधन हुआ करती थी उस टाइम पे। और जो अपर क्लास के लोग थे वो क्या करते थे, पासा खेलते थे। पासा के बाद वो अपना हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, और एक प्रकार का इंडियन पोलो होता है उसको भी खेला करते थे। तो ये जो तीन गेम हुए होते थे वो किसके होते थे, वो अपर क्लास के लोगों के लिए होते थे। और ये जो नॉर्मल लोग थे उनकी जो फाइट अमंग एनिमल्स होती थी, ठीक, जो दो जैसे आपके बैलों को लड़ा रहे हैं, मुर्गों को लड़ा रहे हैं, ये वाली फाइट उनका मनोरंजन का साधन हुआ करती थी। साथ ही साथ स्विमिंग, फेस्टिवल, फेयर, ये सब तो होते ही थे। अब बात करते हैं एजुकेशन, साइंस और लर्निंग की, शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान की। तो उस टाइम पे कोई ऐसा नहीं था कि मास एजुकेशन है, प्रॉपरली आपको क्लासेस लग रहे हैं किसी जगह पे और मास एजुकेशन दी जा रही, जन शिक्षा दी जा रही, ऐसा कोई वो नहीं था। जो पीपल थे वो वही सीखते थे जो उनको जरूरत होती थी, ठीक है, जो अपनी लिवलीहुड है उसको चलाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती थी, आजीविका चलाने के लिए वो काम वो सीख लेते थे, उससे अपनी कमाई करते थे फिर, ठीक है, कोई मतलब एक हुनर टाइप का वो सीख लेते थे। जो पढ़ाई लिखाई थी वो काफी एक लिमिटेड वर्ग में कन्फाइन थी, ब्राह्मण और कायस्थों तक ही कन्फाइन थी अपर क्लासेस जो थे। जो साइंस की ग्रोथ थी उस टाइम बहुत कम हो गई थी। क्यों कम हो गई थी, क्योंकि उस टाइम रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी ज्यादा बढ़ रही थी, रूढ़िवादिता ज्यादा बढ़ रही थी, साइंस को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, ये रिचुअल्स, कर्मकांड और ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, तो किसी चीज को साइंटिफिक दृष्टि से ज्यादा देखा नहीं जाता था। तो इसी तरह, इसी प्रकार जो था साइंस का रुझान लोगों के प्रति कम हो गया, तो साइंस जो थी उसकी ग्रोथ भी स्लो हो गई। और जो शल्य चिकित्सा थी, जो सर्जरी थी, वो भी डिक्लाइन हो गई। क्यों डिक्लाइन हो गई, वो उस टाइम क्या होता था कि जो ये शरीर की जो चीड़ फाड़ है उसको गलत माना गया, ठीक है, उसको अशुद्ध माना गया। वो एक जो थे पर्टिकुलर कम्युनिटी थी वही करती थी, और उसको वो निम्न कम्युनिटी माना जाता था। तो शल्य चिकित्सा में भी गिरावट आई, ठीक, क्योंकि सब लोग नहीं कर सकते थे चीड़ फाड़, तो सर्जरी डिक्लाइन हो गई। जो एमिनेंट पर्सन थे, जो पढ़े लिखे लोग थे और जो तेज बुद्धि वाले थे, उन्होंने इससे फिर दूरी बना ली, क्योंकि इसको नीचा माना जाने लगा था। और उस टाइम पे पादप विज्ञान पे और जो एनिमल्स के ट्रीटमेंट है उस पर काफी किताबें लिखी गई थी, लेकिन किसी प्रकार की ब्रीडिंग पे कोई किताब नहीं लिखी गई थी। तो घोड़े की कोई अच्छी ब्रीड नहीं मिलती थी यहाँ पे, सब से जो सेंट्रल एशिया से इम्पोर्ट किए जाते थे घोड़े वगैरह थे। अब बात कर लेते हैं जो रिलीजियस मूवमेंट, बिलीफ और जो धार्मिक आंदोलन और विश्वास है वो है उस टाइम पे। तो देखिए, हिंदुइज्म तो फल फूल रहा था, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हिंदुइज्म काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था और वो जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को भी अपनी तह में समेट रहा था। तमाम जो टेम्पल्स थे पुराने बौद्ध के और जैन को, उनको कन्वर्ट किया जा रहा था हिंदू हिंदू टेम्पल में। पुरी का टेम्पल था वो, उसको भी हिंदू टेम्पल में कन्वर्ट कर लिया गया, और भी कई ऐसे टेम्पल थे जिनको हिंदू टेम्पल में कन्वर्ट किया जा रहा था। और जो शिव और जो विष्णु है ये एक देवता के रूप में उभरे, काफी इनके जो रूलर्स थे इनको इनका उन्हें संरक्षण मिला, ठीक है, काफी रूलर्स ने शिव को और विष्णु को देवता के रूप में माना। तो देखिए, चोल एम्पायर में देखिए शिव को बहुत मानते थे, वो जीतते थे तो अपनी एक विजय के रूप में मंदिर स्थापित कर देते थे, और मंदिर में जो थे अपना विजय गाथा लिखवा देते थे। तो श्री बृहदेश्वर टेम्पल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो शिव टेम्पल ही है। तो इस प्रकार से जो हिंदू धर्म तो एक तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जो बुद्धिज्म था और जैनिज्म था, जो जैन धर्म बुद्ध धर्म था, उसका पतन जारी रहा इस काल में भी। नॉर्थ इंडिया में जो थे गोरखनाथ जो थे वो उभरे, और उनके फॉलोअर्स को बोला नाथपंथी, ठीक। तो जो गोरखपुर सिटी है उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वो यहीं से नाम आया है, गोरखनाथ से, ठीक। और ये जो पॉपुलर कहाँ थे, नॉर्थ इंडिया में ये पॉपुलर थे। बुद्धिज्म जो था वो केवल जो ईस्ट इंडिया तक है वहीं पे कन्फाइन रह गया। तो जो पाल रूलर्स थे, पाल रूलर्स बुद्धिज्म को मानते थे। जो पाल रूलर्स कहाँ होते थे, बंगाल में होते थे, इधर ईस्ट वाले एरिया में इंडिया के।
तो वो बुद्धिज्म को मानते थे। तो उनके डिक्लाइन होने के बाद जो था उस क्षेत्र से भी बुद्धिज्म डिक्लाइन होने लगा। हालांकि कुछ आडंबर वगैरह भी बुद्धिज्म में इंट्रोड्यूस हो गए थे, आडंबर कर्मकांड ये भी इंट्रोड्यूस हो गए थे, जो कि प्योर जो बुद्धिज्म था उसमें उनको कोई महत्व नहीं दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे उसमें इंक्लूजन होने लगा ये आडंबरों का और ये तमाम चीजों का, तो उससे थोड़ा इम्प्योर भी हो गया था बुद्धिज्म। जो चालुक्य थे इधर एरिया के, आपके डेक्कन वाले एरिया के और इधर महाराष्ट्र गुजरात वाले एरिया के, ठीक है, चालुक्य जो डायनेस्टी थी, और जो गंगा रूलर थे कहाँ के, गंगा रूलर थे आपके कर्नाटका के, कर्नाटका में एक छोटे से एरिया पे इनका जो था शासन था। तो ये जो थे जैनिज्म को मानते थे, जो आपके चालुक्य और गंगा डायनेस्टी थी, इनके टाइम पे ही आप देखेंगे कुछ अच्छे मंदिर भी बने, जैसे दिलवाड़ा एक माउंट आबू में जो टेम्पल है जैन टेम्पल, वो भी जो था इसी काल में बना था। हालांकि ये डिक्लाइन हो रहा था, लेकिन कुछ जो रूलर्स थे इसको मानते थे काफी बढ़ चढ़कर। जो भक्ति मूवमेंट था वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। देखिए भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जो काफी आडंबर आ चुके थे और रूढ़िबद्धता आ चुकी थी धर्म में, ठीक, काफी उल्टे सीधे जो थे रिचुअल्स होने लगे थे और काफी रूढ़िबद्धता आ चुकी थी और सोसाइटी में एक प्रकार से बहुत ज्यादा असमानता बढ़ गई थी। जो निम्न लो कास्ट थे उसको बहुत बुरा माना जाने लगा था और ब्राह्मण डोमिनेंस था, ठीक है, इस प्रकार से निरंकुशता भी बढ़ रही थी। तो उसी को देखते हुए फिर उसी के विरोध में भक्ति मूवमेंट भी स्टार्ट हुए, तो उसमें प्रेम और सद्भाव को महत्व दिया गया, ठीक है, भजनों गीतों को महत्व दिया गया, भजनों गीतों से ईश्वर की उपासना करने को महत्व दिया गया, ईश्वर को जो था सबके लिए समान माना गया और सब लोगों को भी समान माना गया, ठीक। तो ये जो था एक पिछले हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, नैनमार और अलवर जो थे संत हुआ करते थे, तमिल संत हुआ करते थे, उनके द्वारा भी ये पॉपुलर किया गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो था इस प्रकार की तपस्या और रिचुअल्स जो होते थे उनको जो रिजेक्ट किया, उनको इन्होंने अस्वीकार किया। फिर जो थे लिंगायत और जो वीर शैव मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था, लिंगायत इसके संस्थापक वासव और उनके भतीजे चन्नावाप थे, चन्नावसाप थे, वासव और चन्नावसाप जो लिंगायत कम्युनिटी है अभी भी हम लोग न्यूज में देखते हैं इनको, न्यूज में होते ही अक्सर जो लिंगायत कम्युनिटी है ये कर्नाटक में पाए जाते हैं, तो अभी भी काफी लोग हैं कर्नाटक में जो लिंगायत कम्युनिटी के हैं। ये कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे, कौन, जो वासव और चन्ना वसाप थे, तो इन्होंने जो लिंगायत मूवमेंट स्टार्ट किया था। ये शैविज्म थे, शिव को मानते थे, भगवान शिव को मानते थे, तो ये जो समाज में असमानता वगैरह फैली हुई थी और जो ब्राह्मण डोमिनेंस था वो फैला हुआ था, तो उसको ये विरोध में थे, तो ये पूरा मूवमेंट ही उनके विरोध में हुआ करता था, मतलब समाज में समानता लाने के लिए ये चीजें हुई थी। अब शंकर फिलोसफी के बारे में देख लेते हैं, जो हमारे आदि शंकराचार्य थे उनकी फिलोसफी, उन्होंने अद्वैत अद्वैतवाद की फिलोसफी दी थी। इनके अकॉर्डिंग जो थे भगवान है और जो आपका सृष्टि है एक ही है, उसमें जो है अंतर जो है अज्ञान के कारण उत्पन्न हुए हैं, और जो माया है जो संसारिक माया है मोह है इसका प्रमुख कारण है ये जो असमानता उत्पन्न होती है समाज में, ठीक है, कोई बहुत पैसे वाला है कोई बहुत कम पैसे वाला है तो उसके बीच समानता असमानता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, उसको लो समझते हैं नीचा समझते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा था कि जो माया है जो पैसा है ये सब जो है उसका कारण है उस असमानता का। जो मुक्ति और मोक्ष है उसका इन्होंने तरीका ईश्वर के प्रति समर्पण माना, ठीक है, जितना आप ईश्वर के प्रति समर्पित रहेंगे जितना आप ईश्वर की ओर जाएंगे उतनी जल्दी आपको मुक्ति मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ईश्वर और जो निर्मित प्राणी है वो इन्होंने एक ही माना, ठीक है, उनका स्वरूप इन्होंने एक ही माना, इस दर्शन को इन्होंने वेदांत कहा जाता है, ठीक। और इस प्रकार जो शंकराचार्य थे उन्होंने वेदों को सत्य ज्ञान के स्रोत के रूप में फिर से स्थापित किया, ठीक है, इन्होंने वेदों को फिर से महत्व दिया और कहा ये इसमें सत्य ज्ञान है और ईश्वर की उन्होंने ईश्वर के प्रति समर्पण अगर आपका है तो मोक्ष और मुक्ति आप प्राप्त करेंगे। और इनकी जो थ्योरी थी उसका क्या नाम था, अद्वैतवाद, ठीक, डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन डुअलिज्म। तो
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे संग बने रहने के लिए। अगर ये वीडियो आपकी और अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के संग शेयर करें और कमेंट कर दें अगर ये वीडियो आपको अच्छी। तो जो वीडियोज हैं उनको आप क्रम से देखिए, क्रम से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे मैंने एक साइंस की सीरीज भी बनाई है, एनसीईआरटी साइंस की, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने वहां पे डिस्कस किए हैं। टोटल 60 वीडियोज हैं। तो वो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर के आपको वो मिलेंगी 60 वीडियोज। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है और आप साइंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि साइंस किसी भी एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो वो सीरीज जरूर देखें और साथ ही साथ ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होंगे।